अब खबरें विस्तार से। सोलन जिले के कुम्हारहट्टी में रविवार दोपहर बाद एक ढाबा अचानक ढह गया। इस इमारत में मौके पर 42 लोग मौजूद थे, जिनमें 30 सैनिक भी थे। दरअसल सैनिक खाना खाने के लिए यहां पर रुके हुए थे और अनहोनी ऐसी हुई कि उसी वक्त इमारत जमींदोज हो गई। घटना में 12 सैनिकों समेत 13 की मौत हो गई। लगातार भारी बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सोलन जिला के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इस इमारत में रेस्टोरेंट भी था, जहां पर आर्मी जवानों सहित कई लोग खाना खा रहे थे, जो कि इमारत के साथ मलबे में दब गए हैं। घटना में अभी तक मारे गए 7 लोगों में से 6 सेना के जवान थे, जबकि एक महिला जो कि होटल मालिक की पत्नी बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी करीब 6 लोगों की दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है, जवान असम राइफल के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जिला प्रशासन तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम चिकित्सकों और एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य जारी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष दबे लोगों को भी शीघ्र निकाला जाए। NDRF की एक टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। वहीं सुन्नी और पंजाब से 2 टीमें और बुलाई हैं, वे भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच जाएंगी। DC सोलन KC चमन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक भवन का मलबा पूरी तरह से हटाया नहीं जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी और कितने लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मारे गए 7 लोगों में से 6 सेना के जवान हैं, जबकि एक महिला जो कि होटल मालिक की पत्नी बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी करीब 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चला है, उसमें जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें फौरन ही राहत दी गई है। अरे सात लोग है और संभावना है कि शायद सात से कोई लोग हमें गुंडा मिले और बाकी जो टोटल खिलाड़ी है इस दौरान तो जिसमें से कि कल 17 जो है और 7 अक्टूबर ठीक है और सिविल में से टोटल 12 में से 11 जो रेस्क्यू कर दिया था और एक ये बताया और लगातार प्रयास है हमारे जब तक पूरी बिल्डिंग को नीचे तक हटाया नहीं गया तब तक हमारे ये पता लगे कि एक्चुअली कितना आदमी और जो सूचना हमें उपलब्ध है उसी जरिए के लिए आदमी के साथ स्वस्थ है और एडमिट है जो हमने एडमिट दिया है CM जयराम ठाकुर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मकान मालिक के ऊपर अवैध निर्माण के चलते FIR दर्ज की जा चुकी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति से उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। देखिए सबसे बड़ी बात है एक जो इस वक्त हमारी आदेश दे दिए हैं और मैं इस बात को कह सकता हूँ जो भी इसमें कमियां रही होंगी जांच का जो निष्कर्ष आने के बाद रिपोर्ट आने के बाद लेकिन मुझे अभी तक तो यही जानकारी मिली है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है एज पर जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो नहीं था। ये जानकारी मोटे तौर पर सुनने को मिली है लेकिन मैंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कहेंगे। लेकिन सर ये टेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 7 लोग अभी भी उम्मीद में है कि सब निश्चित रूप से होता है कुछ जगह कुछ लोग नहीं करते हैं।